इफ एनी। अनकंडीशनल अपोलॉजी ये होती है। हमको अंग्रेजी की भी क्लास लगानी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं, बुला लीजिए अपने कमिश्नर को। इफ एनी क्या होता है? दैट मींस ही इज नॉट एडमिटिंग हिज मिस्टेक। इफ एनी क्या होता है? उनके जाने अनजाने में हुई। नहीं नहीं, अनजाने में नहीं होता उसको। इफ एनी अनजाने में नहीं होता। इफ एनी का थोड़ा सा मतलब समझिए। डिक्शनरी दूं क्या आपको? डिक्शनरी में समझे उसको थोड़ा, अंग्रेजी क्या होती है। ये तो IPS ऑफिसर है ना, इतनी तो अंग्रेजी आती होगी इनको। किसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं ये? कोर्ट की। लास्ट डेट माय लॉर्डशिप कॉल्ड फॉर द स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग इन पुलिस स्टेशन चूना भट्टी इन FIR नंबर 121 ऑफ 2022। जी क्या हुआ इसमें? 3 जुलाई को एफिडेविट फाइल किया कमिश्नर। क्या किया है? क्या किया है? 100 ने चार्जशीट फाइल कर दी है और जो रिलेवेंट ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन ले लिया सर। क्या एक्शन ले लिया? चार्जशीट फाइल करने में इतना टाइम क्यों लगा? क्या लिखा है? इसी के लिए साहब मैंने अनकंडीशनल अपोलॉजी चाहिए। नहीं अनकंडीशनल अपोलॉजी से नहीं होता है। क्यों नहीं फाइल हुआ था? इफ एनी अनकंडीशनल अपोलॉजी ये होती है। हमको अंग्रेजी की भी क्लास लगानी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं, बुला लीजिए अपने कमिश्नर को। इफ एनी क्या होता है? दैट मींस ही इज नॉट एडमिटिंग हिज मिस्टेक। इफ एनी क्या होता है? ईदर ही कमिटेड मिस्टेक और ही हैज नॉट कमिटेड एनी मिस्टेक। इफ ही हैज नॉट कमिटेड एनी मिस्टेक देन ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेंडर अपोलॉजी, एंड इफ ही हैज कमिटेड मिस्टेक देन इट विल नॉट बी इफ एनी। ये इफ एनी का मतलब पूछा आइए उनसे। सबऑर्डिनेट है? नहीं, सबऑर्डिनेट नहीं है। पूछ के आइए। आई स्टेट दैट आई टेंडर माय अनकंडीशनल अपॉलॉजी फॉर द मिस्टेक कॉमा इफ एनी कॉमा। इफ एनी क्या होता है? दैट मींस दैट यू हैव नॉट इंक्वायर्ड वेदर मिस्टेक वाज कमिटेड और नॉट एंड यू आर ट्राइंग टू शिफ्ट द बर्डन। डोंट ट्राई पैरा 6 बाद में देखेंगे, पहले इसको एक्सप्लेन करिए आप। उसमें भी 6 में भी इफ एनी लिखा है। ये इफ एनी जो है ना, यही इनको बुला रहा है यहाँ पर। इफ एनी क्या होता है? उनके जाने अनजाने में हुई। नहीं नहीं, अनजाने में नहीं होता उसको। इफ एनी अनजाने में नहीं होता। इफ एनी का थोड़ा सा मतलब समझिए। डिक्शनरी दूं क्या आपको? डिक्शनरी में समझे उसको थोड़ा, अंग्रेजी क्या होती है। ये तो IPS ऑफिसर है ना, इतनी तो अंग्रेजी आती होगी इनको। किसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं ये? कोर्ट की। गलत हो गया सर। शब्द गलत नहीं हुआ, ये डेलिबरेटली यूज किया गया है। That I state that I had called for the complete file of the case before me, wherein it was found that the information related to the land in question was called for from the concerned tehsildar, and the same was given with delay, and the said information was received by the police station Chuna Bhatti only on 23/6/2023. Thereafter, the investigation was completed, and final report and itna was filed by the police station on 27/6 in crime number itna itna registered itna itna. The copy of the letter issued by the tehsildar कैपिटल प्रोजेक्ट कहाँ है? 23/6 का लेटर। FIR की तारीख क्या है रजिस्टर होने की? FIR 30/4/2022। 30/4/2022। और आपने पत्र भेजा है 10/4/2023 को, और उसके बाद आप तहसीलदार के ऊपर झोंक रहे हैं कि उसने डिले जानकारी भेजी। तहसीलदार के पत्र में आपके पत्र का हवाला है 10/4/2023। 1 साल बाद आप पत्र लिख रहे हैं। क्यों झूठ बोलते हैं आपके अधिकारी? तहसीलदार को आपने पत्र लिखा 10/4/2023 को, 1 साल बाद, और आप बोलते हैं कि तहसीलदार ने देर से जानकारी दी इसलिए इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया। तो पहले पेज नंबर 8 में लिखा। पेज नंबर 8 में पढ़े। कब दिए आपने? 18/10/22 को भेजा। जी 18/10/22 को। कहाँ है कि किसको भेजा है आपने? अधीक्षक भू अभिलेख को। नामांतरण प्रकरण अधीक्षक भू अभिलेख से क्या आपने गलत अथॉरिटी को भेजा? नेक्स्ट पेज पे साहब वो अधीक्षक जो भी 18/10 को भेजा है आपने, 6 महीने बाद भेजा है, वो गलत अथॉरिटी को भेजा। नेक्स्ट पेज में आप फिर 21/11 को भेजा। फिर इसका जवाब दिया उन्होंने तहसीलदार। 18/11 को उन्होंने लिखा, फिर क्या हुआ इसमें पढ़िएगा। जानकारी दे दी उन्होंने 2/1/2023 को। वो अभिलेख शाखा से प्राप्त की जा सकती है। मेरे ख्याल से जानबूझ के ऐसा कोई फिल्म नहीं कास्ट किया गया है जांच में। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये इफ एनी क्या होता है, थोड़ा हमें इफ एनी तो समझा दें। बोले नया एफिडेविट फाइल करें। He is trying to show that as if court is at fault and he has not committed any mistake. So then this if any, this court is not satisfied with the affidavit filed by Mr. Hari Narayan Chari, Commissioner of Police, Bhopal. He has tried to shift the burden by mentioning words within inverted commas, if any, in paragraph 3 and 6 of the affidavit. Full stop. There can either be apology, unconditional apology for a mistake which is admitted to have been committed by the officer, or there cannot be any apology if no mistake was committed. Full stop. Use of words if any is an deliberate attempt to obviate the focus of the gravity of mistake committed by the police officers / concerned revenue officers. This affidavit cannot be accepted. Full stop. Officer is not obliging the court by filing an affidavit. He is duty bound to make compliance of the orders of the court. Full stop. Commissioner of Police Bhopal is directed to come clean as to whether there is a mistake or not. If there is a mistake, then there has to be unconditional apology without any condition. And if there is no mistake, he should come out as to who is guilty and what action is proposed by him against the guilty. Full stop. Admittedly, crime number 121 of 22 was registered at police station Chuna Bhatti on 34/2022. 30/4/2022. First communication which is made by the station in charge and I'm paying 3 days time to press update. First communication छोड़ दीजिए 30/22. Let fresh affidavit be filed along with report as to what action is being taken and which officer of the police station was deputed to take necessary documents from the revenue authorities and what steps were taken by him to follow up the matter with the revenue authorities. We also brought on record list on request of Shri. बता दीजिए अंग्रेजी हमको भी आती है, दिक्कत में ना आ जाएंगे. On Monday it may be taken. Manas Mani Verma prays for 3 days time. List on 17 July 2023.